खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्त श्री बंधु बहनों और भाइयों, हमने बहुत सुंदर दो भजन मिलकर गाए, नाम की महिमा और गुरु की महिमा, दोनों एक ही बात है। हमारा कल्याण दोनों से होता है, बल्कि दोनों एक ही चीज़ है। और ये हम चाहते हैं कि हमें दूर में है कि हमें सांसारिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति हो, नाम से भी दुख प्राप्त सुख मिलता है, योग से भी सुख मिलता है। और कहा कि हम दोनों को जब छोड़ देते हैं तो फिर हमें दुख मिलता है, तो प्रभु जी आए तो उन्होंने यही बतलाया कि हम योग करें, प्रभु का नाम लें, ताकि इस संसार में हम जीवन सफल कर सकें और सुख प्राप्त कर सके। सुख और दुख दो विरोधी शब्द हैं। दुख का लफ्जी मतलब होता है दूर में होता बुरा ख्वाब मन इंद्रियां, मान और इंद्रियां, दूसरी बार मान और इंद्रियों को क्लेश होता है वो दुख होता है। और सुख इससे विरोधी है, जिससे जो इंद्रियों और मन को सुख सुख मिलता है वो सुख है, खा मैंने इंद्रियां होता है। हम ये शब्द है संस्कृत का, जैसे कहते हैं खेचर, खगोल, खा मैंने ये प्रकृति की चीज़ें, खा कहते हैं। और जो दम दुख बुरा होता है और सुख में अच्छा होता है, तो हम बुराई से दुखों से बचना चाहते हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। और जितने महापुरुष संसार के अंदर आए उन्होंने हमें सुख का रास्ता बतलाया, परंतु ऐसा महापुरुष शायद ही कोई आया हो जिसने हमें वो दोनों मार्ग बतलाया। दो मार्ग क्या? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का भजन जो हमने गाया कि हम प्रभु का नाम जपें, ये ज्ञान का मार्ग है भक्ति करें। और विज्ञान का मार्ग तो योग से बड़ा विज्ञान है कोई नहीं, जिसमें हमें एक एक शरीर के बारे में, आत्म और नाड़ियों के बारे में ज्ञान देते हैं प्रभु जी, कि हम शरीर को किस तरह से खिला सकते हैं, ये विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्रभु जी ने ही हमें सिखलाया है, और हम इन दोनों से लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जो दुख हमें आता है और जो हम दूर कर सकते हैं, उसको हम कुछ भागों में बांट भी सकते हैं। एक दुख, दूसरा दुख, तीसरा दुख, और उनको किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर तर्क द्वारा कोई काम करें तो उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा होता है। पहला जो दुख आता है, प्रथम दुख, वह प्रारब्ध से दुख आते हैं। अब हमें आते हैं, अब उनको हमारा कोई भी वश नहीं है। कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, और बड़ा भेद है पर वश नहीं है। और कोई गरीब घर में पैदा होकर भी सुखी है और अमीर घर के पैदा होकर भी दुखी है, इसके ऊपर भी कोई इसका वश नहीं है। कोई जन्म से रोगी पैदा होता है, कोई बाद में रोगी होता है। तो ये जो प्रारब्ध का हमें क्लेश दुख आता है, ये कैसे दूर हो? अब ये भी हम जब ज्ञान का मार्ग त्याग देते हैं तो वो दुख और बढ़ जाता है।
क्योंकि हमें जब दुख आता है तो, और गुरु जो मार्ग बतलाते हैं वो ज्ञान का मार्ग है, और उससे विपरीत जो है वो अज्ञान का मार्ग है। गुरु क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि तुम्हें जो प्रारब्ध आया है ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, और तुमने ये आना ही है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो गुरु कैसे हो? वो अपनी कृपा से हमें वो सहन शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, और हम उस सहन शक्ति से, उस ज्ञान पूर्वक उस दुख को अपने सामने जो आया है उसका मुकाबला करते हैं। जैसे एक बच्चा बीमार है, माँ उसकी बीमारी को तो दूर कर सकती, लेकिन उस बच्चे को प्यार से उस बीमारी में आराम दे सकती है। कोई गुरु नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे प्रारब्ध को बदल दूंगा, फिर तो ये ईश्वर के साथ मुकाबला हो गया। ये तो बिल्कुल कोई गुरु नहीं कहेगा कि तुम्हारी मौत का समय टाल दूं, या तुम्हारे ऊपर दुख प्रारब्ध आया टाल दूं, कोई गुरु नहीं कहेगा। इसलिए गुरु तो सीधा रास्ता बतलाता है, और वो प्रारब्ध के जो दुख हैं वो गुरु कहते हैं दूर कर देते हैं। गुरु दूर नहीं करते, गुरु हमें ज्ञान द्वारा उनके सहन करने की शक्ति देते हैं, और वो दुख आधा रह जाता है। तो टाल तो दिया, दुख नहीं दूर किया, दुख को हमारे मन के अंदर ज्ञान द्वारा उसको अलग कर दिया। जैसे साफ तो लिखा है, अगर गरीब है वो अमीर को ना देखकर संतोष रखे तो दुख दूर हो गया। अगर वो ईर्ष्या करता रहेगा, क्रोध करता रहेगा, और दौड़ धूप करता रहेगा, ठगबाजी करता रहेगा, तो दुख तो बढ़ जाएगा। इसलिए हम प्रारब्ध के दुखों को दूर करने के लिए आम लोग यत्न करते हैं, और वो दुख और बढ़ जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। मुझे जो दुख है, मैं जाता हूँ किसी ज्योतिषियों के पास, मेरा ये दुख है, वो बताएगा ऐसे ही दूर करो, मैं पैसा लुटा के आ जाता हूँ, वो दुख नहीं दूर कर सकता। जब गुरु ने दुख दूर कर सकता, ज्योतिषी क्या करेगा? हम उस दुख को बढ़ा सकते हैं अज्ञानवश, दूर नहीं कर सकते। इसलिए जो गुरु का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वो हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, कहे ये काम कर सकते हैं, ये हमारे दुख दूर हो जाता है। एक आदमी बीमार है और उसको बीमारी के तो ज्ञान मान है, वो बीमारी में मनसता रहता है, क्यों? वो ज्ञान है उसके अंदर। और एक है जिसको ज्ञान नहीं, वो हा हा करके चिल्ला कर दूसरे को दुखी करता है। तो गुरु का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, और उससे विपरीत मार्ग अज्ञान का मार्ग है। इसलिए हम ये कहेंगे जो प्रारब्ध को बदलना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से, और आज लाखों उपाय बतलाते हैं, वो करो, ये करो, ये करो, वो सारे अपने दुख को बढ़ाते हैं, अपने धन को लुटाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु के मार्ग है कि प्रभु के शरण में रहो, संतोष से रहो और भजन करो। ये हमें शिक्षा देते हैं कि पूर्व हमने कर्म किए और हमें ये दुख आया, अब हम अच्छे कर्म करें ताकि ऐसे दुख आगे ना आए। तो गुरु तो हमें यहाँ का भी सुख का मार्ग बतलाते हैं और आगे के भी बताते हैं, और ऐसा ज्ञान का मार्ग अन्यतर नहीं हो सकता। एक तो दुख ये जो कि पूर्व जन्म के कारण है, नंबर दो वो दुख है जो कि हम यहाँ खुद मोल ले लेते हैं, अपने जानबूझ के मोल ले लेते हैं। वो हमारी इंद्रियां चाहती हैं करो करो, और दुखते हैं। सबसे बड़ा है
जो हमारी ये स्वाद इंद्रिय है ना, ये सबसे ज्यादा हमारे को दुख करती है। तो योग में इसने कहा कि इसको वश में रखो। इसके वश के मतलब क्या होता है? आहार। आहार का जुबान ही कहते हैं खाओ खाओ। तो बहुत सी बीमारियां जो हैं संसार के अंदर जो दुख हैं वो आहार के कारण है, और योग में इसके लिए उपाय बतलाए हैं। योग की पुस्तकों के अंदर भी है, हमारे रामायण के अंदर भी है, और हम योगियों से सुनते भी हैं और योगी के जीवन से भी देखते हैं कि उन्होंने अपने आप के आने वाले दुखों को आहार द्वारा संयमित करके दूर रखा है। तीन प्रकार से रख सकते हैं आहार को। एक तो है कि आहार अगर सात्विक हो दुख कम आएंगे। सात्विक आहार योग के ग्रंथ में सात्विक आहार लिखा है, गीता पढ़ो वो सब लिखा सात्विक आहार होना चाहिए। पढ़ते तो हैं वो गीता में भगवान ने हमारे सुख के लिए तो लिखा है, तो सात्विक आहार होना चाहिए। अब सात्विक आहार क्या है बतलाने की जरूरत नहीं है, जो तो हमसे गिना हो सात्विक है वो तो एक हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आज सात्विक आहार की अवहेलना के कारण अनेकों बीमारियां आ रही हैं, अनेकों दुख आ रहे हैं, और उन दुखों को दूर करने के लिए जैसे वो कहा था कि हम प्रारब्ध को दूर करने के लिए गलत उपाय करते हैं, उस आहार की अनियमितता को दूर करने के और उपाय करते हैं। तामसिक आहार कर लिया और तामसिक आहार से बीमारी आई और तामसिक चीजें डालकर उसको दूर करते हैं, आग को आग से बुझाना चाहते हैं। गलत आहार किया और फिर ऊपर उल्टी सीधी औषधियां खाकर, औषधियों में तो तामसिक है और वो खाया वो भी तामसिक है, तो आग को पानी से बुझाया जाता है ना कि आग को आग से बुझाया जाता है। तो ये दुख का कारण है और आज संसार इसमें डूबा हुआ है सारे संसार, और इसीलिए संसार के अंदर निरोग तो कोई शरीर को मिलेगा क्योंकि आहार सात्विक नहीं है। हमें इसलिए ये करना चाहिए कि योग के अनुसार देखे सात्विक आहार क्या होते हैं, और सात्विक आहार करते करते हम स्वस्थ रह सकते हैं, और उसका जो उपचार है अगर कोई आ जाए शरीर के कारण तो उसको भी हम योग द्वारा ठीक करें। ये नहीं कि हम उसको हम विपरीत मार्ग में फिर चल पड़े। शरीर के साथ तो कष्ट आते रहते हैं परंतु उनको हम उसके उपाय भी योग में है। दूसरा ये कि सात्विक आहार करते हुए भी जैसे मैं कहा बीमारी आ सकती है। एक और भी है वो है कि हमारा आहार नियमित हो, सात्विक और नियमित, नियमित मतलब नियम के अनुसार। खीर सात्विक है लेकिन बार बार खीर ही खाते हैं तो बाहर तो हो जाएंगे, नियमित हो। और नियमित यही है कि जब हमारा भूख लगे तब खाएं, भूख तीन चार घंटे से पहले नहीं लगेगी तो तब खाएं। तो ये भी जरूरी है, इसलिए अगर हमें ये नियमित आहार ना करने से कष्ट आए तो सात्विक और नियमित दोनों को हम उसका आधार लें और हमें शरीर को नहीं होगा नहीं खा तो लिया हमने बार बार और बिना भूखे
और बीमार हो गए, फिर ऊपर से हमने वो तामसिक औषधि लेनी शुरू कर दी, फिर वही बात हो गई। उसका उपाय योग में है, उपाय है हठ योग के, बड़े उपाय है, उसके ही उपाय हैं, उसका मतलब आप करते भी हैं और समझ भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं। एक और होता है आहार में, वो है संतुलित आहार। तीसरा आहार तीन तरह से, सात्विक, नियमित और संतुलित। संतुलित संतुलित आहार का भी वहाँ योग ग्रंथ में दिया है कि हम पेट को देख तो नहीं सकते, लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हैं कितना है, कितना है उसके अनुसार योग में है कि जितना पेट है ना उससे उस आकार से आधा आहार लें। अब सोचिए, बच्चे का पेट छोटा होता है, बड़े का उतना बड़ा होता है, मगर उस उसे आधा, और आधा जो है उसको बाकी पानी की भी जरूरत होती है, तो जो आधा है वो चौथाई जो बाकी है उसको पानी उतना चले, ताकि अगर पानी ना होगा तो वो मिक्स नहीं होगा जो खाया। अब मिक्स होकर फिर अब बोतल में चीज भरी है, ऊपर से भरे हिलाओगे तो हिलेगी, वो नीचे चीनी डाल दो और ऊपर बोतल आएगा बांट दो और उसको कहोगे चीनी घुल जाए, वो कैसे घुलेगी, खाली भी तो रखनी पड़ेगी, तब उसको फिर शेक करेंगे हिलाएंगे घुलेगी। इसलिए उस मैदे को बाकी जो है वो खाली भी रखना होता है, उसमें हवा है या जो भी है, तो ये कहते हैं ये संतुलित है। हम संतुलित का ध्यान रखते हैं जब तक मैदा क्या गला भी ना भरा जाए, अगर हम खाएं तो फिर से बीमार हो जाएंगे। तो आहार के बारे में, सेहत के बारे में, सुख के बारे में हमें आहार की तरफ बड़ा ध्यान रखना है। योग में ये साफ बदला है, तीन सात्विक, संतुलित और नियमित आहार। अगर आहार की जो अवहेलना करेंगे वो दुख में रहेंगे। जैसे प्रारब्ध को मिटाना चाहेंगे वो दुखी हो जाएंगे, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। जो आहार की अवहेलना करेंगे दुखी हो जाएंगे, बीमार रहेंगे और हो रहे हैं। इसलिए इस बात का मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, अपने दुख को दूर करने के लिए हम सुख की बातें करते हैं, प्रभु जी कहते हैं हमें सुखी रखना चाहते हैं तो योग के मार्ग बतलाए। तीसरी जो दुख का कारण है वो है हठ योग की अवहेलना। हम हठ योग को फजूली समझ रहे हैं और इसलिए दुखी है। हठ योग को जो संसार जो अपना रहा है वो सुखी है, जो उससे विमुख है वो दुखी है, क्योंकि ये तो एक समझदार समझ में आने वाली चीज है कि शरीर का बहुत सा जो भाग है वो तो अंदर ही अंदर है, बाहर तो खलड़ी खलड़ी है, चमड़ी है, और अब देखते हैं कि चमड़ी को भी शुद्ध ना करें तो वहाँ भी फिर से निकल आएंगी, जुएं पड़ जाएंगी, और मतलब अंदर तो बहुत ज़्यादा है, अंदर तो दुनिया बसी हुई है शरीर के, और उसके लिए योग का पहला नियम है शौच, कब शुद्ध करें हठ योग के अंदर, और शुद्धि के लिए वहाँ शौच लिखा है राजयोग में, और हठ योग में लिखा है षट कर्म, पहली पहला नंबर दिया षट कर्म को, पहला नंबर दिया शौच को। ये अगर ना होगा तो बाकी किसी काम नहीं आएगा, तो हठ योग करें। पर हठ योग ये तो हठ योग तो प्रभु जी ने लाया है, भूल चुके थे लोग, और प्रभु जी ने लाकर हमारे पर बहुत उपकार किया है। ये सबसे बड़ा उपकार जो
किसी ने कभी किया है वो प्रभु ने किया है जो हठ योग को संसार के अंदर लाए हैं। लोग तो सफाई इतना भी जानते थे, यहाँ के लोग पहले पहले जो कनाडा में चले गए तो और दरख्त दातन करते थे, वो हंसते थे ये लकड़ी खा रहा है, वो दातन कर वो तो कुछ पता नहीं उस समय तो वहां शायद टूथपेस्ट होते भी नहीं होंगे, करना कैसे, चलो खा लिया वो खा लिया, बात ही कुछ नहीं। ये तो हमारे ऋषि ने जो दातन करना भी सिखाया, प्रभु जी योग इसमें आप धोतियों के पड़े जो छठ योग में दंत धोती, दंत धोती मतलब दातन, तो दातन करना भी हमने सीखा है। और अब मुंह को सफा कर लिया, नाक को सफा करना भी तो अभी प्रभु ने बताया नीति क्या करते हैं, लोग तो नाक को साफ करना भी नहीं जानते थे और अब भी नहीं करते। मैंने वो पुस्तक ली है कि जुकाम के कारण इंग्लैंड का कितने करोड़ डॉलर खर्च होता है, जुकाम के कारण और पाउंड खर्च होता है, और इधर देखा वहां पर हर चौथा आदमी जुकाम से पीड़ित है, नाक साफ करना नहीं आता, कहते हैं बच्चा बच्चे को नाम पूछना नहीं आता, हम तो बच्चे को समझते हैं नाक पूछना आता, और वो तो उनको तो किसी को नाक पूछना नहीं आता, और पूछते हैं तो रुमाल से नहीं कागज से, कमाल है भाई, कागज से तो क्या पूछा जाएगा, कपड़े से क्या पूछा जाएगा, और कागज से पूछ कर कहीं मैंने वहां कहा कागज से मत पूछो, क्योंकि ये कागज फाइबर्स है, फिर नाक में जाते हैं फिर और से काम लगता है, पर नहीं फैशन है, फैशन तो इतना है, वो वहाँ तो वहाँ चूंकि इकॉनमी ऐसी है ये कहते हैं खूब खूब पैसा कमाए, अगर आज कपड़े का इस्तेमाल करना शुरू कर दें हम करते हैं तो अरबों डॉलर का नुकसान हो जाए अमेरिका को, वो कागज बनने बंद हो जाएंगे, तो इसे कहते नहीं ये नहीं छोड़ना, इससे हमें बड़ा लाभ है, लाभ है तो बीमार रहो। तो ये है हठ योग की जो अवहेलना है ना वो हमें रोग दुख दुखी करती है, और जो हठ योग करते हैं वो सुखी रहते हैं। अब मामूली बात है, हठ योग में जो कितनी कितनी सारी चीजें हैं, अगर पेट के अंदर से गैस हो तो सर्वांगासन कर लो तो ठीक हो जाता है, गैस निकल जाती है, नहीं चूर्ण खाते रहो चूर्ण खाते रहो, चूर्ण पेट को क्या करेगा, पेट के जो अंदर नाड़ियां और कमजोर कर देगा, पेट के मेम्ब्रेन को खराब कर देगा चूर्ण, और सर्वासन क्या क्या हवा निकाल देगा वो अपने स्वस्थ रहेगा। योग के जितने साधन हैं ये बीमारी को रोग को दुख को दूर करेंगे, और जो इसके विपरीत चलेंगे वो उस दुख को और बढ़ाएंगे, इसलिए कहते हैं कि दवाइयाँ आज संसार के रोगों को बढ़ा रही हैं, और मैं उन्होंने लिखा है दवाइयाँ तो रोगों की खाद हैं, खाद से खेती बढ़ती है, दवाइयों से बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो योग हठ योग में फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हठ योगी अपने योग से शरीर को ठीक करता है। तो हठ योग की जो अवहेलना है ये हमें दुख में डालती है, और हम इसलिए हठ योग करें तो सुखी जीवन बिताएं, तो प्रभु ने हमें सुख के मार्ग पर लाने के लिए ये एक दूसरी चीज बताई है, ये दो मार्ग दो चीजें बताएं, ये तीन एक ये हमें कि अपने प्रारब्ध दुखों को हम दूर कैसे करें, और हम अपने आहार की तरफ बड़ा ध्यान रखें अगर दुख सुखी रहना है तो, अगर जो नहीं रखते वो जानबूझ कर दुखी होते हैं, अगर हम आहार शुद्ध ना रखेंगे नियमित ना रखेंगे संतुलित रखेंगे तो जानबूझ कर बीमारी आएगी। यहाँ लोग आते हैं हमें एसिड है एसिड है एसिड है, क्या करते हो रोज एक एंटी एसिड गोली खानी पड़ती है, मैं कहता हूँ आग को आग से बुझा रहे हो भाई, करते हो तो एसिड को
पैदा कैसे होता है अधिक खाने से? तो कहीं लोग तो कहते हैं भाई रात का भी खाना मत खाया करो, उससे कई लाभ होता है। और कईयों को मैं कहता हूँ कि देखो सुन नियमित आहार करो, इस वक्त ये खाओ, इस वक्त ये खाओ, इस वक्त खाओ और इतना खाओ, कुछ देर बाद हम तो ठीक हो गए। वो जो हम दवाई से एसिड को एंटी एसिड दबाना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से पूछ लो, वो तो यही कहेगा 30-40 दिन तक एंटीसेप्टिक खाओगे तो नहीं खानी चाहिए। मैं करते पर 30-40 दिन में एसिड खत्म नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? खाते रहोगे। और उसे जो हमारे जिस मैदा है या लिवर है वो गल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कि हमने उस आग को और बढ़ा दिया ना, तो इसलिए योग के द्वारा हम ये आहार को रखे ठीक। और फिर सुख के लिए, सुख का एक ही साधन है शारीरिक सुख का, वो है हठ योग, दूसरा साधन नहीं है कोई भी। जिनके घर में हठ योग होता है उनके घर में जाके देख लो, दवाइयाँ अगर होंगी तो नाम मात्र कहीं पड़ी होंगी, वो भी कभी इमरजेंसी के लिए। हमारे घर में आके देख लो कहीं घर में कहीं दवाई, और जो नहीं आते उनके दवाइयों के बिल भी है बहुत बड़े में, उनके घर में दवाइयों के ढेर भी लगे हुए हैं और दवाइयाँ उनके डस्टबिन में फेंकी भी बहुत जाती हैं। वो क्यों? वो हठ योग नहीं जानते। अब प्रभु जी ने तो ये जो चीज विद्या लाई है, प्रभु जी की महान कृपा है, उन्हें ये विद्या संसार में लाई जो पहले शून्य थी, और ऐसे जगह भी पहुँचा रहे हैं जो भी नहीं है, धीरे धीरे वहाँ भी इसका विस्तार हो रहा है। ये तीन बातें हैं जो हमें दुख के कारण हैं और दुखों के दूर करने के भी उपाय हैं। दो तीन और हैं वो फिर हम कभी विचार में लाएंगे। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल।